हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 6 ऑफ साइंस सब्जेक्ट. टुडे आई एम गोइंग ओवर ए ब्रीफ ट्यूटोरियल ऑफ योर लेसन 3, फाइबर टू फैब्रिक एंड प्लांट फाइबर. द मेन टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर आर फाइबर, नेचुरल फाइबर फ्रॉम प्लांट सोर्सेज. इस चैप्टर में हम फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है इसके बारे में जानेंगे और मेनली प्लांट्स फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे. क्लॉथ्स आर आवर बेसिक नीड्स, प्रोटेक्ट आवर बॉडी. कपड़े हमारे सबसे मौलिक आवश्यकताओं में से एक है जो हमारे शरीर की सुरक्षा करता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स मेड फ्रॉम डिफरेंट फाइबर्स. अलग अलग प्रकार के कपड़े अलग अलग तरह के रेशों से बनते हैं. तो व्हाट इज फाइबर? तो फाइबर इज ए स्ट्रैंड ऑफ ए सब्सटेंस व्हिच कैन बी ट्विस्टेड टू फॉर्म ए यार्न. यानी रेशा एक पतला धागा स्ट्रैंड होता है जो जिसे मोड़ करके धागे में बदला जा सकता है. फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स. रेशे दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर. यानी प्राकृतिक रेशा और मानव निर्मित रेशा जिसे संश्लेषित रेशा भी कहते हैं. तो फर्स्ट नेचुरल फाइबर. व्हाट इज नेचुरल फाइबर? फाइबर्स ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. चूंकि प्लांट्स और एनिमल्स नेचर में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं इसलिए उनसे प्राप्त होने वाला फाइबर नेचुरल फाइबर कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल कॉटन जूट फ्रॉम प्लांट्स. हमें कपास और जूट पौधों से प्राप्त होता है. सिल्क वूल फ्रॉम एनिमल्स. सिल्क यानी रेशम और ऊन जानवरों से प्राप्त होता है. एंड द सेकेंड इज सिंथेटिक फाइबर्स. संश्लेषित रेशे मैन मेड फाइबर्स नॉट ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज. मनुष्य द्वारा निर्मित वे रेशे जिसे पौधे या जानवरों के स्रोत से नहीं पाया निकाला जाता. फॉर एग्जाम्पल रेयन, नैलोन, पॉलिस्टर. तो फर्स्ट वी डील विथ फाइबर फ्रॉम प्लांट सोर्सेज यानी पौधों के स्रोत से प्राप्त होने वाले रेशे. तो पौधों के स्रोत से प्राप्त होने वाले रेशे मुख्यतः दो हैं, कॉटन और जूट. इसके अलावा लिलेन, फ्लैक्स, हेम्प आदि भी होते हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ कॉटन और जूट के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट कॉटन. कॉटन इज ए सॉफ्ट फाइबर दैट ग्रोज अराउंड द सीड्स ऑफ द कॉटन प्लांट. कॉटन बहुत ही मुलायम रेशा होता है जो कॉटन प्लांट के फली के अंदर जो बीज बनता है, पॉड के अंदर जो बीज बनता है उसको चारों ओर से घेरे हुए रहता है. कॉटन इज ग्रोन इन ब्लैक सॉइल एंड इन वार्म क्लाइमेट. कपास काली मिट्टी में और गर्म जलवायु में बहुत अच्छी पैदावार करता है. द सीड्स डेवलप इनटू द पॉड्स एंड कवर्ड विद व्हाइट फाइब्रस मटेरियल कॉटन. और इनके बीज जो है उनकी फलियों में लगते हैं. पहले फूल लगता है जो हल्के सफेद या पीले रंग का होता है. कुछ दिनों में ये फूल गुलाबी रंग के हो जाते हैं और जब फूल की पंखुड़ियां पेटल झड़ के गिर जाती हैं तो उनके अंदर से एक पॉड निकलता है और वो पॉड जब विकसित होता है, बड़ा होता है तो सफेद रंग का कॉटन उनके बीजों के चारों ओर होता है. द फाइबर आर ऑब्टेंड फ्रॉम टू प्रोसेस. अब इस कपास से रेशे दो प्रोसेस से प्राप्त किए जा सकते हैं, फर्स्ट गिनिंग एंड सेकंड स्पिनिंग. तो व्हाट इज गिनिंग? प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द सीड. वह प्रक्रिया जिसमें कॉटन के रेशों को उनको बीजों से निकाला जाता है यानी बीज से कॉटन के रेशों को अलग किया जाता है. एंड स्पिनिंग, प्रोसेस ऑफ ट्विस्टिंग द फाइबर टू मेक यार्न. अब इस प्राप्त रुई को जिसे कॉटन को अब धागे को में बनाने की प्रक्रिया यानी फाइबर से यार्न बनाने की प्रक्रिया स्पिनिंग कहलाती है. व्हाट इज यार्न? यार्न मींस धागा. थ्रेड मेड बाय स्पिनिंग फाइबर. जब फाइबर को स्पिन करके यानी गोल गोल घुमा करके खींच करके पतले लंबे स्ट्रैंड में बदला जाता है तो उसे थ्रेड यानी धागा कहते हैं और इसी थ्रेड को यार्न कहते हैं. एंड द फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न. और जितने भी कपड़े बनते हैं इन्हीं धागों से बनते हैं. इट इज डन बाई टू प्रोसेस. ये भी दो प्रक्रियाओं से बनता है, फर्स्ट वीविंग एंड सेकंड नीटिंग. वीविंग मींस द प्रोसेस बाई टू सेट्स ऑफ यार्न्स आर अरेंज्ड टुगेदर इनटू फैब्रिक ऑन ए हैंडलूम और पावर लूम. धागे का वैसा दो सेट जो एक के ऊपर दूसरा
हॉरिजेंटल रखा जाता है और इस प्रकार से बुनावट की जाती है कि वह एक कपड़े के रूप में बदल जाए, चाहे वो हाथ से बनाया जाए, हथकरघे से बनाया जाए या पावर लूम यानी मशीनों से बनाया जाए। इसे विविंग कहेंगे। एंड नीटिंग द प्रोसेस बाय विच ए सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक फैब्रिक, वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक धागे से कपड़े को यानी फैब्रिक को बनाया जाता है उसे निटिंग कहते हैं। इट इज डन बाय हैंड और मशीन, यह हाथों से भी और मशीन से भी बनाया जाता है। यूजेज ऑफ कॉटन यानी कपास के क्या क्या उपयोग हैं। फर्स्ट, मोस्ट ऑफ कॉटन इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल एंड अंडरगारमेंट्स, ज्यादातर कपास कपड़े की मिलों में कपड़े बनाने के लिए और अंडरगारमेंट्स यानी अंतः वस्त्र बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। एंड सेकेंड, यूज एज रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ रेयन एंड पेपर इंडस्ट्री, इस कॉटन का उपयोग कृत्रिम रेशा रेयन बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है और कागज की इंडस्ट्री में यानी पेपर बनाने की इंडस्ट्री में भी किया जाता है। यूज इन मेकिंग पिलो क्विल्ट मैट्रेस एटीसी, इसके रुई से कॉटन से पिलो यानी तकिया क्विल्ट रजाइयां और मैट्रेस भी बनाए जाते हैं। कॉटन इज यूज्ड इन हॉस्पिटल एज एब्जॉर्बेंट कॉटन, हॉस्पिटल में जितने भी एब्जॉर्बेंट कॉटन का एस्ट्राडाइल कॉटन का उपयोग होता है वैसी कॉटन से ही बनता है। एंड द नेक्स्ट इज जूट, जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ पटसन प्लांट, ये जूट पटसन के पौधों के तने से प्राप्त होता है। जूट आर पेल येलो 6 to 8 feet इन लेंथ, जूट हल्का पीला 6 to 8 feet लंबाई में होता है, क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड हैव ए सिल्की लस्टर, और जूट का जो रेशा होता है मजबूत होता है और यह सिल्क की तरह चमकता है। जूट इज सोन ड्यूरिंग रेनी सीजन, और जूट को बरसात के मौसम में लगाया जाता है, यानी जूट के पौधे पूरी तरह से धान के पौधों की तरह पानी में डूबे हुए होते हैं। दिस फाइबर कैन ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम इज बायरेटिंग, इनसे इनके तनों से हमको रेशा प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, तो इन्हें रेटिंग किया जाता है। रेटिंग यानी पानी में सड़ाना। प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइबर्स फ्रॉम जूट स्टेम टू सिंकिंग द बंडल ऑफ स्टेम इन पॉन्ड वाटर फॉर ए फ्यू डेज, पटसन के पौधे के तनों को काटकर उन्हें बंडल बना करके तालाब के ठहरे हुए पानी में डाल दिया जाता है और कई दिनों तक सड़ जाने के बाद उसकी ऊपरी परत सड़ जाती है और फिर इन्हें सुखाकर जूट का रेशा प्राप्त कर लिया जाता है। यूजेज ऑफ जूट, जूट के क्या उपयोग हैं। यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स, इसे बोरे बनाने के काम में उपयोग किया जाता है। रोप्स रस्सियां बनाई जाती हैं। कर्टेन्स कोट्स क्लॉथ्स मैट्स इटीसी, इनसे पर्दे और मोटे कपड़े और चटाइयां भी बनाई जाती हैं। एंड द सेकेंड पॉइंट इज फाइबर फ्रॉम एनिमल सोर्सेज, जानवरों से प्राप्त स्रोत से रेशे प्राप्त करना। तो दे आर फ्रॉम टू टाइप्स, फ्रॉम वूल एंड सिल्क। द फर्स्ट इज वूल, वूल मीन्स ऊन। वूल क्लॉथ इज स्पन फ्रॉम यार्न मेड फ्रॉम द फाइबर ऑफ द थिक फ्लीस ऑफ शीप, ऊन के ऊनी कपड़े जो होते हैं ऊन के रेशों से बनाए जाते हैं जो भेड़ के घने बालों को जिसे फ्लीस कहते हैं उनसे प्राप्त होता है। प्रोसेसिंग ऑफ वूल इन्वॉल्व 4 steps, ऊन प्राप्त करने में 4 steps होते हैं, यानी कि एक के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद तीसरा, तब जाकर के चौथे स्टेप में ऊन का फाइबर हमें प्राप्त होता है। फर्स्ट, शियरिंग द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वूल फ्रॉम द शीप्स स्किन, जब भेड़ की स्किन पर से ऊन को हटाया जाता है तो उसे शियरिंग कहते हैं। सेकेंड, ग्रेडिंग द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फ्लीस फ्रॉम डैमेज्ड वूल, अब जो रेशे मिले हैं भेड़ के बालों से उतारे गए उन्हें साफ किया जाता है या उनको अलग अलग किया जाता है लंबाई के अनुसार। थर्ड इज कार्डिंग द प्रोसेस आफ्टर द वूल हैज बीन वॉश्ड एंड ड्राइड, जब ऊन को साफ कर लिया जाता है, धो करके धूल और गंदगी को निकाल दिया जाता है तो इसे कार्डिंग कहते हैं। इट इज पास थ्रू द रोलर, इसके बाद इसे रोलर में डालकर सीधा किया जाता है और लंबाई के अनुसार उन्हें सेपरेट किया जाता है। एंड फोर्थ, स्पिनिंग द प्रोसेस बाय विच फाइबर आर
gathered together and drawn into a long rope and then twisted to make yarn. अब ये सबसे अंतिम प्रक्रिया है जिसमें जितने भी रेशे होते हैं उनको इकट्ठा करके उनको लंबे लंबे रस्सियों के रूप में बांट लिया जाता है मशीन के द्वारा, और इसके बाद इन्हें मोड़ मोड़ कर ट्विस्टेड करके यार्न यानी कि ऊन बनाया जाता है, उनका रेशा बनाया जाता है. वुलन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम दिस यार्न बाय नीटिंग. अब इन ऊन से बिनाई करके नीटिंग के द्वारा ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं. एंड द सेकेंड इज सिल्क. सिल्क यानी रेशम. सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सलाइवा ऑफ एन इंसेक्ट कॉल्ड सिल्क वर्म. सिल्क का धागा जो है वो एक कीड़े से प्राप्त होता है जो उस कीड़े के सलाइवा यानी लार्ड के जमने से बनता है. दीज वर्म्स आर रियर्ड ऑन मलबेरी प्लांट्स. इन कीड़ों को ज्यादातर मलबेरी के पौधों पर पाला जाता है. मलबेरी यानी शहतूत के पेड़ों की पत्तियां खाकर ये कीड़े बड़े होते हैं. द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म इज कॉल्ड सेरिकल्चर फॉर प्रोड्यूसिंग सिल्क. सिल्क के कीड़ों को सिल्क के उत्पादन के लिए उनको पालने की क्रिया सेरिकल्चर कहलाता है. एंड योर नेशन फाइबर टू फैब्रिक्स एंड प्लांट फाइबर इज कंप्लीटेड. थैंक यू.